सो हेलो ओस्टर, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों की जो है काफी ज्यादा डिमांड आई हुई है कि भाई होंडा हाइनेस और जो है क्लासिक 350, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का डिफ्रेंशिएट करो, मतलब जो है इनका कंपैरिजन करो। इनका कंपैरिजन जो है आज करेंगे एंड जो है देखेंगे कि कौन सी बाइक यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी है इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग या फिर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। सो हर चीज के बारे में जो है आज की वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को जो है एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस होंडा हाइनेस के बारे में। होंडा हाइनेस जो आपको पता है रिसेंटली जो है लॉन्च की गई है एंड क्लासिक जो है काफी सालों से जो है चलती आ रही है एंड जितने भी अभी तक कंपटीटर्स आए हैं क्लासिक के वो जो है उसको कभी भी मार नहीं दे पाए। जैसे कि जावा वगैरह भी आई थी एंड जो है इंपीरियल वगैरह भी आपकी आई थी, बट जो है इसको मार कोई भी नहीं दे पाए। लेकिन अभी जो है देखते हैं कि क्या होंडा हाइनेस इसको मार दे पाती है। सो वही जो है आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस लुक्स के बारे में। लुक्स जो है दोनों ही बाइक से काफी अच्छे निकल के आते हैं। किसी को हाइनेस का अच्छा लगता है तो किसी को क्लासिक। सो अपने को तो यार क्लासिक का ज्यादा अच्छा लगता है, बट जो कुछ फीचर्स है वो जो है मेरे को हाइनेस के ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए ये बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग जो है होंडा हाइनेस की होने वाली है 1.90 लाख के जो है अराउंड बाई होने वाली है। लेकिन आरी क्लासिक, रॉयल एनफील्ड क्लासिक की जो प्राइस है वो है 1.69 लाख एक्स शोरूम। सो लगभग जो है 20,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। होंडा हाइनेस जो है 20,000 ज्यादा महंगी होने वाली है क्लासिक के मुकाबले में। सो यहाँ पे जो है इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी बात करते हैं दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में। दोनों बाइक्स में जो है आपको 348cc का सिंगल सिलेंडर फोरस्ट्रोक F5 BS6 एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। लेकिन पावर वगैरह फिर परफॉर्मेंस वगैरह या फिर जो है इंजन के कुछ स्पेक्स में जो है आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पावर जो है आपको होंडा हाइनेस में मिलती है 20.8 bhp की एंड जो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक में आपको मिलती है 19.1 bhp की पावर, जो कि काफी कम बोल सकता हूं मैं, बिकॉज यहां पे जो है लगभग 2 bhp का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो यहां पे जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इसकी परफॉर्मेंस में भी। टॉर्क के बारे में आपको बताऊं, 30 Nm का जो टॉर्क है वो आपको हाइनेस में देखने को मिल जाता है एंड क्लासिक में जो है आपको 28 Nm का मिल जाता है। सो यहां पे जो है हाइनेस में आपको टॉर्क भी ज्यादा मिलता है एंड जो है पावर भी ज्यादा मिलती है। कहने का मतलब आपको परफॉर्मेंस जो है वो आपको हाइनेस में ज्यादा अच्छी मिलेगी। सो यहां पे जो है वाइब्रेशन भी जो है आपको काफी कम देखने को मिलेगी हाइनेस में, बिकॉज आपको पता है यार होंडा हुई, सुजुकी हुई, यामा हुई, इनका जो इंजन है वो जो है काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं, काफी ज्यादा रिफाइन होते हैं। सो यहां पे जो है वाइब्रेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी और हाई स्पीड पे जो है आप इजीली राइड कर सकते हो। हाईवे पे जो आपको दिक्कत वगैरह नहीं आएगी जो रॉयल एनफील्ड में आती है। रॉयल एनफील्ड को जैसे ही आप 80 से ऊपर लेके जाते हो, सो हैंडल बार में जो है इतनी ज्यादा वाइब्रेशन आती है कि आप जो है उसको 80 से ऊपर चला ही नहीं पाओगे। आपको बता दूं गियर्स के बारे में, दोनों बाइक्स में जो आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है। माइलेज जो है आपको हाइनेस में मिल जाती है लगभग 35 से 40 km/L। सिटी में जो है हाइनेस आपको 30 से 35 तक दे देगी एंड हाईवे पे जो है आपको 40 तक दे देगी, बिकॉज यहाँ पे काफी रिफाइन इंजन, सो माइलेज तो आपको देगा ही। और होंडा की बाइक्स की माइलेज होती भी काफी अच्छी है यार। आपको बता दूं क्लासिक की माइलेज के बारे में, यहाँ पे जो हमने टेस्ट भी किया था क्लासिक BS4 का, लेकिन BS6 की भी जो है उतनी ही आपको माइलेज देखने को मिलेगी, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने मिलेगा। सो क्लासिक की जो है 30 से 35 तक की जो है आपको माइलेज देखने को मिल जाती है। सो माइलेज के मामले में जो है हाइनेस यहाँ पे बेटर है। आपको बता दूं हाइनेस में जो है आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलती है, जो कि आपको रॉयल एनफील्ड में नहीं देखने को मिलती। उसी के साथ साथ आपको होंडा CB350 में जो है एक और फीचर मिल जाता है, यहाँ पे जो है आपको असिस्ट फीचर भी मिलता है। आपको जो है ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगा कि अभी जो है आपको गियर डाउन करना है, अभी जो है अपशिफ्ट करना है। सो वो सब कुछ जो है इसमें शो करने वाला है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं टॉप स्पीड के बारे में, होंडा की जो टॉप स्पीड है वो जो है लगभग 135 इजीली जाने वाली है एंड आरी क्लासिक की जो है 120 to 125 के लगभग जाती है। सो ओवरऑल मैं बोलूं तो परफॉर्मेंस जो आपको होंडा की बाइक में ही ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब जो है हाइनेस में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो है हैजार्ड का स्विच देखने को मिल जाता है आपको CB350 में, जो कि आपको क्लासिक में नहीं देखने को मिलता। सो गाइस बात करूं यहां पे ब्रेकिंग के बारे में, दोनों ही बाइक्स में जो है आपको ड्यूअल चैनल ईबीएस मिल जाता है। उसी के साथ में जो है दोनों बाइक्स में आपको फ्रंट एंड रियर में जो है डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। सो डिस्क ब्रेक जो है आपको मिल जाएंगे फ्रंट और रियर में भी। आपको बता दूं सस्पेंशन सेटअप वो भी जो है आपको सेम ही देखने को मिलेगा, फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक एंड रियर में जो है स्प्रिंग सस्पेंशन। सो यही सस्पेंशन सेटअप जो है आपको आरी में देखने को मिलेगा एंड वही जो है आपको होंडा में। सो दोनों में जो है सेम देखने को मिलेगा। लाइटिंग सिस्टम, सो यहाँ पे जो है लाइटिंग सिस्टम की बात करूं तो होंडा CB350 में जो है आपको LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, जो कि CB150 जैसी या फिर CB300 जैसी जो है आपको देखने को मिल जाती है एंड जो है आपको LED में ब्लिंकर्स देखने को मिलेंगे, जो इसके इंडिकेटर्स है वो जो है आपको LED में देखने को मिलेंगे। बाकी टेललाइट, जो रियर की जो टेललाइट होती है वो जो है आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेगी। लेकिन बात करूँ क्लासिक 350, सो यहाँ पे आपको जितने भी इसकी लाइटिंग्स या जितनी भी लाइट्स होने वाली वो सब जो है आपको हेलोजन में देखने को मिलेगी। हेडलाइट भी जो है
आपको हेलोजन में देखने को मिलेगी येलो बल्ब में, एंड जो है आपको टेल लाइट भी एंड इंडिकेटर्स भी सब जो है आपको हेलोजन में देखने को मिलेंगी, जो कि थोड़ा सा इसको क्लासी लुक देती है। जो कि इस पे ऊपर शूट भी करते हैं एलईडी में, जो है शूट मेरे को नहीं लगता कि शूट करेंगे उस पे, बट जो है हेलोजन में इस पे काफ़ी अच्छा शूट करते हैं। आपको बता दूं मीटर कंसोल के बारे में, यहाँ पे भी जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, दिन रात का डिफरेंस जो है आप बोल सकते हो, बिकॉज होंडा CB350 में जो है आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर जो है एनालॉग में देखने को मिलेगा सुई वाला, उसके अलावा जो है आपको सब कुछ MID में जो है डिजिटल में देखने को मिलेगा, गियर इंडिकेटर वगैरह, माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह, एवरेज माइलेज वगैरह, ये सब जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। बाकी जो है आपको फ्यूल गेज वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, मतलब जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब जो है इसमें देखने को मिलेगी। इसका जो डिलेक्स प्रो मॉडल जो टॉप मॉडल है उसमें जो है आपको होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाता है, जिसमें क्या होता है आप अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो बाइक के, एंड उसके बाद जो आप नेविगेशन वगैरह या फिर जो है काफी अच्छे फीचर्स का जो है यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे किसी कॉल वगैरह आती है तो वो जो है आपको मीटर कंसोल में ही शो कर देगा कि किसकी कॉल आ रही है किसकी नहीं, तो ऐसा कुछ जो है फीचर आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन जो डिलेक्स मॉडल है जो आप क्लासिक के साथ जिसको कंपेयर कर सकते हैं हम, उसमें जो है आपको ये फीचर नहीं मिलता है। आपको बता दूं अभी क्लासिक 350 के मीटर कंसोल के बाद, यहाँ पे जो आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है जो है ट्रिप मीटर, इसके अलावा जो है कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये कुछ जो है छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन, बाकी जो है आपको CB350 में जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको बता दूं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो होंडा की होने वाली है वो होने वाली है 15 लीटर्स की, एंड जो क्लासिक की होने वाली वो होने वाली 13.5 लीटर्स की। सो यहाँ पे भी जो है 1.5 लीटर जो है बड़ा टैंक होने वाला है हाईनेस का, सो यहाँ पे भी जो है आपको एक काफ़ी अच्छा बड़ा टैंक मिल जाता है। वेट के बारे में बात करूँ, होंडा हाईनेस में जो है आपको 181 केजी का वेट मिलता है, एंड जो है क्लासिक में आपको 195 केजी का। अभी बात करें कंफर्ट के बारे में, यहाँ पे जो है दोनों ही बाइक्स में आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलेगा। अभी जो है हाईनेस नई नई बाइक है तो राइड वगैरह का मौका मिला नहीं है, तो अभी हम नहीं बोल सकते कि भाई इसका कंफर्ट अच्छा होगा ये वो, बट जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि सिंगल सीट है और जो है उसकी कुशनिंग भी जो है काफ़ी अच्छी है, तो उस वजह से जो है कंफर्ट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन जो रॉयल एनफील्ड है उसकी तो आपको पता ही यार, वो तो है ही फेमस कंफर्ट के लिए, सो यहाँ पे जो है कंफर्ट आपको दोनों ही बाइक्स में अच्छा खासा मिल जाएगा। 800 mm की जो है सीट हाइट आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिल जाती है, बाकी आपको सिंगल सीट मिलती है होंडा में, एंड रॉयल एनफील्ड में जो है आपको ड्यूअल सीट मिल जाती है। सो यहाँ पे जो है पिलियन जो है ज्यादा कंफर्टेबली राइड कर पाएगा रॉयल एनफील्ड पे। आपको बता दूं एग्जॉस्ट के बारे में, एग्जॉस्ट जो है आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, सबसे पहले आप सुन लीजिए होंडा हाईनेस के साउंड। तो हाईनेस की साउंड जो है आपने सुन ली, अभी जो है एक बार आप क्लासिक की भी सुन लीजिए। क्लासिक की साउंड जो है आपने वो भी सुन ली है, सो अभी बताना कि कौन सी आपको ज़्यादा बेटर लगी। बाकी मैं अपनी बताऊं तो मेरे को जो है हाईनेस की ज़्यादा अच्छी लगी, इसका जो स्ट्रोक साइलेंसर है वही जो है काफ़ी अच्छी साउंड आपको दे देता है। मेरे को नहीं लगता कि आफ्टर मार्केट आपको लगवाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी खासी साउंड आपको मिल जाती है। अभी बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी के बारे में। वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो यार दोनों बाइक्स जो है मेरी नज़र में जो है वैल्यू फॉर मनी है। जो प्राइसिंग है वो जो है 20,000 सस्ती है क्लासिक 350 होंडा CB350 से, सो यहाँ पे जो है क्लासिक 350 जो है एक अच्छे खासे आपको फीचर्स ऑफर कर देती है। बट यदि कुछ ज़्यादा आपको फीचर्स चाहिए या फिर जो है एक अपडेटेड बाइक चाहिए, सो आप जो है जा सकते हो हाईनेस की तरफ। एंड यदि आपको जो है ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं चाहिए, आपका मेन मोटो जो है वो है राइडिंग एंड जो है कम्फर्ट, सो आप जा सकते हो बुलेट की तरफ। सो यहाँ पे जो है दोनों ही बाइक्स अपने आप में काफ़ी अच्छी बाइक्स हैं, सो बाकी हम ये नहीं बोल सकते कि यही बाइक आपको लेनी चाहिए या फिर यही लेनी चाहिए, दोनों बाइक्स अपनी जगह काफ़ी अच्छी है। बाकी कोई भी आपके डाउट्स हो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, MRD Vlogs से मेरी आईडी है, आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।